नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EOS स्टडी 76 पर। तो क्लास चल रही थी अपनी परसेंटेज की, जैसा कि परसेंटेज में कुछ हद तक जहाँ तक टाइप हो चुके हैं, एक दो टाइप बचे हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का टाइप है आपका परीक्षा पर फेल पास पर आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं कि इतने अंक मिले हैं और इतने परसेंटेज अंक मिले हैं, इतने से फेल हो गया, तो उस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से करेंगे देखिएगा। डिटेल और ट्रिक के साथ में, ट्रिक आपको बताएंगे ऐसे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और डिटेल मेथड आपको करवाएंगे। लेकिन डिटेल देखिएगा और फिर ट्रिक देखिएगा, उसमें दोनों में कंपैरिजन करिएगा कि क्या आपको बेस्ट लगता है, कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगता है, ट्रिक या डिटेल। डिटेल आपको बहुत लेंथी लगेगा, ट्रिक के साथ करिएगा, ट्रिक के साथ करवाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि किसी परीक्षा में इतने परसेंट विद्यार्थी हुए अनुत्तीर्ण और किसी दूसरी परीक्षा में इतने परसेंट और दोनों में इतने परसेंट हुए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले देखिए क्या करना है आपको। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। ठीक है, 52% अंग्रेजी में, 42% गणित में, टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए, 4, 5 और 4, 9, यानी कि 49%। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 17% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 14 में 7 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि 77% यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा 17% को यहाँ पर क्यों घटाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% यहाँ पर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण टोटल कर दिए, फिर 42% गणित में हो गए फेल। ठीक है, 52% अंग्रेजी में हुए, 42% गणित में हो गए, और फिर वहाँ पर क्या दे रखा है, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए, यानी कि पहले तो सेपरेट इनका 52% निकाल ही चुके थे, सेपरेट इनका 42% निकाल चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि दोनों विषयों में 17% और फेल हो गए। यहाँ पर भी 17% ऐड है, यहाँ पर भी 17% ऐड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी टोटल ऐड है, यहाँ पर भी टोटल ऐड है, लेकिन 17% बाद में उन्होंने कह दिया कि दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों को मिला के कर दिया, तो दोनों में इसमें क्या है, 17% ऐड है, इसमें दोनों में क्या है, 17% प्लस है, तो वही 17% यहाँ पर माइनस कर दिए इन दोनों में, ये जो 17% वाली वैल्यू है वो इसमें ऐड है, इसीलिए यहाँ पर ये 17% घटाए गए हैं, क्योंकि 17% इसमें से पहले से ही था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, तो 17% घटा दिए। अब क्या पूछा गया है, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 77% तो ये कौन से वाले हो गए, फेल वाले। अब पूछा गया है पास वाले कितने हैं, तो पास वाले क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता है परसेंटेज, वहाँ पर 100 होता है, तो 100 में से जब 77% घटाएंगे, 100% में से 77% घटाएंगे, तो ये बचेगा 23%, यानी कि 23%, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। सवाल सेम इसी तरीके से, बस आपको समझना है क्या करना। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में 7% विद्यार्थी दोनों विषय में, 7% दोनों विषय में फेल हो गए, 19% और 10% तो हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 7% दोनों में फेल हो गए, दोनों विषयों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि वेन डायग्राम से आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर वेन डायग्राम से समझिए कि 17, ये जो 7% है और ये क्यों घटाया जाता है, जैसे कि पिछले सवाल में 17% घटाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैथ और इसको इंग्लिश,
या मैथ इंग्लिश, ठीक है, तो 90% तो मैथ में, 90% मैथ में फेल हो गए। उसके बाद में 10% अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है, 90% मैथ में फेल हो गए, 10% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो, यानी 7% जो कुछ ऐसे हैं जो 10% में भी ऐड हो रहे हैं और 90 यानी कि 19% में भी, 7% में से कुछ विद्यार्थी 10% में भी जा रहे हैं, कुछ 19% में भी जा रहे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। ये क्या है, दोनों विषय वाले फेल, दोनों विषय यहाँ पर, ये दोनों विषय में जो फेल हुए हैं, किसमें किसमें, मैथ प्लस इंग्लिश। तो टोटल फेल निकालने कितना, 90% प्लस 10%, 90% प्लस 10%, तो ये निकल के आएगा 29%। तो ये क्या निकल के आएगा, 29%। अब यहाँ पर 7% इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि 7% इसमें भी ऐड हो रहा है और 7% इसमें भी ऐड हो रहा है, दोनों में ऐड हो रहा है, दो बार ऐड हो रहा है, इसलिए इसको एक 7% घटा देंगे यहाँ पर। तो ये कितना बनेगा, 22%। तो ये तो हो गए कितने, उनतीस होते हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, तो ये तो हो गए फेल वाले, ये इतने परसेंट फेल हो रहे हैं। अब पूछा गया पास वाले कितने हैं, तो पास वाले के लिए क्या करेंगे, 100% मानेंगे, 100% माइनस 22%, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 78, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 78। सभी विद्यार्थियों का होने, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, सभी विद्यार्थियों का 78%, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा कि 78% जो है वो। अब आपको समझ में आ गया हो कि ये जो दोनों विषय में फेल होने वाले हैं इसको क्यों घटाया जाता है, क्योंकि ये इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, ये कॉमन वाला है, इसलिए दोनों में ऐड हो रहा है, इसलिए इसको 7% यहाँ पर घटा देते हैं। वेन डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए या पास हुए, 85% गणित में और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, देखिएगा यहाँ पर, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, भाई 90% तो अंग्रेजी में हो गए, इंग्लिश में पास वाले, ठीक है, एक 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, मैथ में हो गए 85% उत्तीर्ण, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, 150 जो है वो दोनों में उत्तीर्ण। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 5, 9, 8, 175%। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%, और उसको 100% से कम कर दो ख़त्म, जीरो हो जाएगी। कोई भी चीज़ मैक्सिमम कितनी होती है, 100% में वो कंप्लीट हो जाती है, और ये तो यहाँ पर 100% से कितना ज़्यादा आ रहा है, 75 ज़्यादा आ रहा है 100% से। तो 75 ये किस लिए ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 150 विद्यार्थी हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 150 जो है वो 70% का यहाँ पर डिफरेंस ला रहा है, 75% का, तो 150 ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, इसको निकालना पड़ेगा। तो 75% बराबर 150, तो 1% बराबर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 2, 1% बराबर 2। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कोई भी चीज़ कंप्लीट 100% होती है, तो 100% इंटू 2 बराबर 200%, यानी कि 200 छात्रों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरीके से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब
किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, और यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, ठीक है, 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर हमको 10% दोनों विषय में फेल निकालना है, इंग्लिश में 70% और गणित में 80%। देखिए 70% पास हो रहे हैं इसका मतलब 30% फेल हो रहे हैं, गणित में 80% पास हो रहे हैं इसका मतलब 20% फेल हो रहे हैं, टोटल बना 50%, ठीक है, टोटल बना 50%। 50% जो आया उसमें 10% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो माइनस का 10 करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यह आ जाएगा 40%, ठीक है, तो यह आ जाएगा 40%, तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। तो ये 40% हो जाएगा, 40% 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, यदि 140 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, 40% ये तो फेल वाला आ गया, राइट है, बिल्कुल 40% ये आ गया फेल वाला। अब हमको निकालना क्या है? पास वाला, तो पास वाला 100% में से 40% निकालेंगे तो बचेगा 60%, 60% ये पास वाला आ गया, ठीक है, 60% पास वाला आ गया। तो 60% बराबर क्या दे रखा है? 60% बराबर दे रखा है 144। हमको निकालना है क्या? अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी 100% बराबर, तो 100% बराबर सॉरी 144 बटे 60 इंटू 100, इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, काट पीट कर काटो पीटोगे इसको तो आपका 240 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, काट पीट कर देख लेना 240 आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं, ठीक है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, यानी कि इंग्लिश में 30% फेल हो रहे हैं, गणित में 20% फेल हो रहे हैं, और दोनों को मिलाकर 10% फेल हो रहे हैं, दोनों विषयों को मिलाकर, ठीक है, दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो 50% तो ये आ गया इसका ऐड, इसमें 10% निकालेंगे फेल वाला, 40% आ गया। हमको चाहिए पास वाला परसेंट, क्योंकि पास वाले अभ्यर्थी दे रखे हैं इसलिए हमको पास वाला परसेंटेज चाहिए, तो पास वाला परसेंटेज के लिए हमको 100% में से 40% फेल वाले घटाने पड़ेंगे, तो 60% आएंगे पास वाले, तो 60% पास अभ्यर्थी कितने दे रखे हैं? 144, तो 60% बराबर 144, 100% बराबर 144 बटे 60 इंटू 100 बराबर 240 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम वैसा ही है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल और 42% अंग्रेजी में, यानी कि 34% छात्र गणित में, 42% अंग्रेजी में, ये बन गया 6 4 3 7 76%, ठीक है, ये बन गया 76%, और 20% दोनों विषय में फेल होते हैं, यानी कि 20% इसमें से माइनस करोगे आएगा 56%, ठीक है, विषय में पास होने वाले, ये तो हो गए फेल, फेल परसेंट चाहिए क्या हमको पास वाले, तो 100 में से 56 को माइनस करेंगे आएगा 44% आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 44%। अगला सवाल देखिएगा, सेम वैसा ही है जैसा अभी करा, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 52% हिंदी में प्लस 42% अंग्रेजी में, प्लस 42% अंग्रेजी में माइनस 17%,
बावन बयालीस चौरानवे, चौरानवे माइनस सत्रह, बावन परसेंट प्लस बयालीस परसेंट, चौरानवे माइनस सत्रह बराबर आ जाएगा सतर परसेंट, चौरानवे परसेंट माइनस सत्रह परसेंट बराबर सतर परसेंट। ये आ गए फेल वाले, चाहिए हमको पास वाले, पास वाले यानी हंड्रेड माइनस सतर बराबर तेईस परसेंट, ऑप्शन नंबर सी। सेम उसी की तरह 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। देखिए समाचार पत्र एक्स को 40% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। समाचार पत्र वाई जो है उसको 50% लोग पढ़ते हैं, वाई को 50% लोग पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, ठीक है। 10% लोग जो है वो एक्स और वाई दोनों परसेंट पढ़ते हैं, तो 10% इसमें से ये कट जाएगा। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? 90% माइनस 10% यानी कि 80%, और 100% में से 80% घटाओगे तो 20% यानी कि 20% लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका रहा स्क्रीन पर ये, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का 90% जिनके पास सेलुलर टेलीफोन व पर्सनल कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर या दोनों हो या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, ठीक है, 75% के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, और 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं पाया गया, जिनके पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है। तो ये हो जाएगा 105% माइनस 25%, ये आएगा 80%, ये 80% आ गया, ठीक है, आ गया आंसर आपका 80%। ऑप्शन नंबर बी राइट। कुछ नहीं था इसमें, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। हाँ अब आया, देखो यहाँ से दूसरा टाइप चालू हो गया। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिएगा सवाल को पहले डिटेल से। लेट मानेंगे मैक्सिमम मार्क्स एक्स, ठीक है, अधिकतम अंकों के 20%, अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, लेकिन उसको कितनी इतने चाहिए थे तो वो पास हो जाता है, बराबर। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के यानी कि एक्स के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20% अंक अधिक, यानी कि यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि उसको 20% अधिक मिल रहे थे, तो हमको लाना है इक्वल इक्वल लाना है, पासिंग मार्क लाना है हमको, पासिंग मार्क कितना होगा, तो 20% अधिक मिल रहे थे, यहाँ पर जितने में पास हो रहा है बॉर्डर होता है जो, यहाँ पर कम हो रहे थे इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया पासिंग मार्क के लिए, कितने बढ़ाने पड़ेंगे इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिएगा भाई क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, देखो 20x 30x, इधर 5 है प्लस का इधर माइनस का 20, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 है प्लस का 20 हो जाएगा और 5, ये हो जाएगा 25,
बराबर 30x में से इधर प्लस का 20x है, उधर ले जाएंगे माइनस होगा तो बचेगा x 10%। तो 25 बराबर x 10% बटे 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x बराबर ये बटे में इस तरफ जाएगा 250। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं आपके 250, मैक्सिमम मार्क आ गए 250, ठीक है। पासिंग मार्क चाहिए, पासिंग मार्क चाहिए, तो ये तो थे पासिंग मार्क वाला बॉर्डर था, ये था जो, ये इतना जो था ये पासिंग मार्क्स था, ठीक है। तो इसमें से निकाल लेंगे x बराबर 250 इंटू पासिंग मार्क यानी कि 20% बटे 100 प्लस 5, इसको काटेंगे कट जाएगा 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, 25 दूनी 50 और प्लस 5 55 आ गए। उसको 55 नंबर चाहिए थे पासिंग मार्क है, ठीक है, ये क्या था, 55 नंबर चाहिए थे उसको पासिंग मार्क, ये है पासिंग मार्क, पासिंग मार्क, ठीक है, उसको 55 नंबर चाहिए थे पासिंग मार्क है जो, ठीक है। अब पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बराबर होता है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स बटे, पासिंग परसेंटेज के लिए चलते हैं पासिंग मार्क्स बटे मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, जितनी पूर्णांक होती है वही मैक्सिमम मार्क्स। पासिंग परसेंटेज के लिए पासिंग मार्क कितने हैं, 55, मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 250, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट दो यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 25, 50, 50 दूनी 100 बराबर 11 दूनी 22, 22%। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत है आपका 22%। तो ये तो था डिटेल मेथड, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को डिटेल मेथड समझ में आया होगा अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग ट्रिक से देखिए और अच्छी बात है, ट्रिक से देखिएगा, यहाँ पर ये डिटेल मेथड इतना करेंगे इतनी लंबी प्रोसेस होगी, अब ट्रिक से देखिएगा सेकंड मेथड। एक कक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक, 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 यानी कि उत्तीर्ण हो गया, तो माइनस का साइन लगाएंगे, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर आता है 30%, 30% अंक मिलते हैं और कितने से अधिक से हो जाता है, 20 से अधिक उत्तीर्ण हो जाता है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए 10% का, यहाँ पर ऐड करेंगे 25, ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे 25, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है 10% का, तो 10% बराबर आ रहा है 25, तो 1% बराबर यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी 1% बराबर 2.5, 100% बराबर क्या आएगा 250, 100% बराबर 250, यहाँ पर देखो निकला था 250, 100% बराबर 250। हमको चाहिए क्या है, चाहिए है हमको एक परीक्षा में देते हमको उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या चाहिए, तो देखिए माइनस का 5, इसका निकालेंगे परसेंटेज कितना बनेगा, 250 इंटू 100 काट देंगे, 0 से 0, 5 एकन 5, 5 25, 5 दूनी 10 यानी कि माइनस का 2, माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे इसमें, 20% में माइनस वाला है तो प्लस कर देंगे, प्लस का 2 तो बन जाएगा 22%, 22%, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। और भी डायरेक्ट देखना चाहें तो और डायरेक्ट ये है कि इतना लंबा ना ले जाने से अच्छा है कि आप यहीं पर डायरेक्ट कर लें, देखिएगा ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए क्या करना है, 2.5 नंबर में 1% बढ़ रहा है, 5 नंबर में कितना बनेगा, 2 नंबर, 2.5 नंबर में 1% बनता है तो 5 नंबर में कितने परसेंटेज बनेगा, 2%, यानी 2% कम था, तो 20% प्लस 2% बराबर 22% डायरेक्ट निकल के आ गया, बस इतना और नहीं जाने की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, सवाल को देखिए समझिएगा कि किस तरीके से करना है सवाल को और कितने जल्दी किया जा सकता है सवाल को, बस इसी तरीके से देखना है आपको। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
सवाल है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? देखिएगा यहाँ पर 40 प्रश्नों के, देखो बंद हो जाता है, चालीस प्रश्नों के वो 65% बिल्कुल सटीक सटीक सही सही उत्तर देती है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने चाहिए? बचा कितना? 40। 40 के उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने चाहिए कि वो पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, ठीक है, 75% अंक पाने के लिए तो 80 प्रश्न का 75% पाने के लिए कितना करे? पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, 40 प्रश्नों के 65% बिल्कुल सटीक सटीक सही सही उत्तर दिए उसने, बचे 40 क्वेश्चन, उसको निकालना है कि कितने परसेंटेज 40 प्रश्नों के कितने परसेंट सही उत्तर दे कि 80 प्रश्नों का 75% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 40/100 बाहर आ जाएंगे, 40/100 बाहर आ जाएंगे, कॉमन बचेगा 65+x=80×75/100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 65+x=150, 65 जाएंगे 150 में से, 150 में से 65 जाएंगे तो कितना बचेगा बताइएगा जल्दी से, 150 में से 65 जाएंगे तो बचेगा 85, या राइट 85 बचेगा यहाँ पर, तो ये 85% हो जाएगा। ठीक है, ये 85% हो जाएगा, ये परसेंटेज की बात चल रही थी सारी की सारी, तो ये 85% हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42% अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है? देखिएगा यहाँ पर 20% प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, उसके बाद में 32% प्राप्त करता है, 42 अंक अधिक लाता है, तो यहाँ का योग करेंगे तो 72 आएगा, यहाँ का डिफरेंस करेंगे 2 आएगा, 2% = 72, 1% = 36, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर 12 आएगा डिफरेंस, ठीक है 12, तो बात छंग बात था, ठीक है 1% = 6 हो जाएगा, तो पास करने के लिए कितने, तो 100% 1% = जब 6 आ जाएगा तो 100% = 600 आ जाएगा, 100% = 600 हो जाएगा। पास करने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? देखिए पास करने के लिए उसे 30/600 क्या कर दिया ये 200 करेगा, 5 आ गया, ये माइनस के 30/600×100 करेगा 6% माइनस 5% -5% आ रहा है, तो इसमें प्लस कर देंगे +20+5=25% आपका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक, प्लस वाले में करेंगे तो माइनस परसेंट करेंगे, इतना ना करके अगर डायरेक्ट कर दें
तो और अच्छी बात है। ये भी ना लिखें, इसको छोड़े, हटाओ इसको, बस ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। 1% पर 6 नंबर में 1% पर 30 में कितना बनेगा, माइनस के 30 में भाग दो डायरेक्ट 6 का, क्योंकि 0 0 कट ही जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5, माइनस का 5 तो 20 इसमें हो रहा है, इसमें 20 में प्लस 5 कर दो, माइनस बराबर 25%। और इसका देखेंगे तो किसका, इसका देखेंगे तो कितना आएगा प्लस वाले का, देखिए 42 बटे 6 प्लस का है तो 7 6 42, 7 प्लस का 7 है तो माइनस कर देंगे, 32 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 25%। इसका भी वही आएगा 25%, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरीके से। उसी टाइप के, तो ये आज का आखिरी सवाल था, क्योंकि सारे के सारे अब वही इसी टाइप के सवाल हैं। इतने अंक मिले हैं, इतने से उत्तीर्ण हो गए, इतने परसेंट मिले हैं, इतने अधिक आ गए पासिंग मार्क्स से, तो बताइएगा कितने परसेंट वाले सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप लोगों को जितने भी क्लासें हुई हैं परसेंटेज की, वो आप लोगों को अच्छे से बढ़िया ढंग से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पर अगले टाइप पर परसेंटेज की क्लास आएगी और उसका जो है वो आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत और आप क्लास को देख पाएँ। और क्लासेस पे कंटिन्यू चलती रहेंगी मैथ की, आपकी पूरी कंप्लीट मैथ कराई जाएगी, इस पर टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन होगी कंप्लीट पूरी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।